CSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई थिंक सब कोई रेडी हो गए होंगे आज के दूसरे लाइव सेशन क्लास के लिए। पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशंस हैं, यानी कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जाने थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जाने थे, और आज कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और इसको अगर देखा जाए तो यह हार्डवेयर सेक्शन से बिलोंग करता है। हार्डवेयर सेक्शन, मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि कंप्यूटर को बेसिकली टू एरिया में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग हार्डवेयर सेक्शन से संबंधित पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आप डेटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी ABCD 1 2 3, कोई फोटो है ना, कोई पिक्चर, साउंड है ना, ये सब एंटर करना है, तो उसके लिए इनपुट डिवाइस इज द बेस्ट है ना। यही एक वे है जिसके द्वारा आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जैसे जैसे आपको टॉपिक बताते जा रहा हूँ, पिछले सेशन में भी बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप करके लास्ट 5 मिनट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये हो भी सकता है कि आज का सेशन कुछ लंबा जाए, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा सा जरूर हमको टाइम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस को अगर देखा जाए तो डिफरेंट इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं माउस। माउस दिस इज द इनपुट डिवाइस है ना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट मीन्स कि इसके द्वारा जो हम लोग काम करते हैं ना, वो पॉइंट, इट मीन्स कि जहाँ पे हमको है ना क्लिक करना है, हम पॉइंटर को मूवमेंट करके ठीक उस पोजीशन पे जाते हैं और देन बटन के द्वारा क्लिक करते हैं। दैट्स वाई इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। एंड इट इज हेल्ड इन वन हैंड। आप अपने हाथ में आसानी से इसको रख करके और किसी फ्लैट सरफेस पे है ना, समतल जगह, फ्लैट सरफेस दैट इज समतल है ना जगह, तो वहां पे आप रख करके इसको मूवमेंट करके और चला सकते हैं। एंड माउस इज यूज टू ड्रॉ स्केचेज। इट मीन्स कि माउस का क्या यूजेज है? तो माउस का पहला तो आपने देखा कि हम पॉइंट करेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और दूसरा है कि आप स्केचिंग बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं है ना, मॉनिटर स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ माउस को अगर देखा जाए तो आप ग्राफिक टैबलेट्स पे ड्राइंग वर्क के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू एडिट टेक्स्ट। आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तो फर्स्टली सिलेक्शन करना होता है, और सिलेक्शन करने के लिए माउस आपका एक बेस्ट वे होगा है ना। उस पोजीशन तक आप आसानी से पहुंचेंगे जहां पे आपको एडिटिंग करना है, तो माउस के द्वारा हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर इसमें देखा जाए तो वन टाइप ऑफ माउस, इट मीन्स माउस के भी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स हैं है ना, बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड माउस है और एक ऑप्टिकल माउस है। तो अगर आप स्टैंडर्ड माउस को देखें तो उसके बैक साइड में यहाँ पे है ना एक बॉल होगा, रोलिंग बॉल, और वहीं ऑप्टिकल माउस को देखें तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसिंग है ना टेक्निक्स लगा हुआ है, एक लाइट जो है ब्लिंकिंग करते रहता है, आप जैसे ही उसको किसी सरफेस पे रखते हैं वह लाइट उसको है ना अपोजिट करके उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है, आप जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू लाइट मूवमेंट करता है। और माउस को अगर देखा जाए कि हम कैसे कनेक्ट करें है ना, कैसे उसका यूज करें, तो माउस को कनेक्ट करने के लिए USB कनेक्टर आता है, या पुराने वाले अगर आपके पास डिवाइस है तो PS2 आता है
है ना, और साथ में आज के डेट में लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो वायरलेस आता है, तो आप माउस को इजीली कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो माउस में बेसिकली 2 और 3 बटन्स हैं, एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है, और एक बीच का स्क्रॉलिंग करने का है, दिस इज स्क्रॉलिंग, है ना, आप इसके द्वारा स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ओके, एंड आगे अगर देखा जाए तो कौन से सॉफ्टवेयर में माउस का कौन सा वर्क होगा, यह सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर में आई मीन कि जिस प्रोग्रामर ने जैसा बनाया है इंस्ट्रक्शन देने का वे, वैसा वो फंक्शन वहां पे काम करेगा। तो ये था माउस। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की ओर चलते हैं, दैट इज जॉयस्टिक, है ना, यह डिवाइस, दिस इज द डिवाइस, है ना, यह जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक, है ना। इसका यूज हम कहां करेंगे, तो इसका यूज हम करेंगे गेम प्ले करने में। आज हम लोग को इस छुट्टी के दिन में, है ना, गेम खेलने में बहुत मजा आता होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं पबजी खेल रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा जॉयस्टिक का भी यूज कीजिए। तो अगर आप जॉयस्टिक को देखें तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसका यूज जो है हम लोग कर्सर को पोजीशन करने के लिए, इट मींस कि जैसे माउस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे करते हैं ना, ठीक उसी तरह से जॉयस्टिक का भी यूज करके हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोग गेम कंट्रोल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए हैं जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन मशीन में कंप्यूटर में फीड होता है। ओके, आप इसमें ऊपर में डिफरेंट बटन देख पा रहे हैं, है ना, तो इसके द्वारा हम लोग इसका फंक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप तो प्रत्येक कंप्यूटर में, वो डेस्कटॉप हो, है ना, और लैपटॉप में तो पहले से कंबाइंड ही रहता है, तो जरूर देखा है ना आपने कीबोर्ड। इवन आप अपने स्मार्टफोन में भी देख रहे हैं ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है, इट मीन्स विदाउट कीबोर्ड आपका कंप्यूटर में वर्क हो ही नहीं सकता, आप बिना कीबोर्ड के काम कर ही नहीं सकते। तो प्रोग्राम्स एंड डेटा आर इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड। कोई भी प्रोग्राम टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना जरूरी है, और इसमें फिर से कनेक्टिविटी की बात आती है कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे, है ना। तो जैसा मैंने माउस में आपको बताया कि अगर आपके पास पुराना वाला है तो PS2 कनेक्टर होगा, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो USB केबल के द्वारा होगा, या वायरलेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप माउस को देखिए, ये आपका वायरलेस माउस, उस तरह से कीबोर्ड भी वायरलेस हो सकता है। एंड ए कीबोर्ड इज सिमिलर टू द कीबोर्ड ऑफ टाइपराइटर। आपने बहुत जगहों पे टाइपराइटर देखा होगा, है ना, उसमें ABCD का जो अरेंजमेंट होता है वो QWERTY में होता है, उसी तरह से आपका जो कीबोर्ड है कंप्यूटर का, उसका भी जो अरेंजमेंट है ना वो QWERTY में है। अगर आप कीबोर्ड में देखें आप इस फिगर को, तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको, पूरे 26 अल्फाबेट्स जो होता है ना वो नजर आ रहा है, पूरे नंबर शो कर रहे हैं 0 to 9, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे फंक्शन कीज दिख रहा है, जिसमें F1 से लेकर के F12 तक है। अलग अलग कंप्यूटर में अलग 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 सॉफ्टवेयर में, है ना, अलग अलग फंक्शन की का काम अलग अलग होता है ना। यहाँ पे क्लियर कर लीजिए फिर से कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में इस फंक्शन की का कार्य अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो अगर आप विंडोज में देखें तो F1 का काम क्या है, F1 का काम है हेल्प लेने का। अगर आप टैली में देखें तो F1 का काम क्या है, है ना। तो इट मींस कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में उसका यूजेज अलग अलग किया जाता है। ओके, तो अब देखिए इसमें लेफ्ट साइड में टैब बटन है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, इट मींस कि डिफरेंट है। अगर आप यहाँ नीचे में देख रहे हैं ना कि कंट्रोल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दो दो जगह क्यों है। तो आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कभी आप लेफ्ट, है ना, लेफ्ट हैंड के फिंगर से कर रहे होते हैं, तो राइट वाला, है ना, हैंड का फिंगर आपका फ्री होता है, तो आप उस समय वहां कंट्रोल बटन दबाएंगे। कभी आप राइट हैंड से कर रहे होते हैं तो लेफ्ट वाला आप प्रेस करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में ये दिया गया है। उसके साथ आप यहाँ पर देखिए, यह न्यूमेरिकल एरिया है, है ना, जिसके द्वारा आप कुछ न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर सकते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपको इस न्यूमेरिक पे बिल्कुल अपना हाथ बैठा लेना चाहिए। आप एक अच्छे से अच्छे प्रोग्रामर को देखिएगा, है ना, कि वो तभी सक्सेसफुल है जब उसको टाइपिंग आता है। तो नॉट ओनली, है ना, न्यूमेरिकल सिस्टम, बट ऑल्सो आपको इन सारे, है ना, ABCD वाले पोजीशन पर भी अपना हाथ जरूर बैठा लेना चाहिए। कोई भी आप काम का, आप सोच लीजिए ना, एक लेटर टाइप करना है तो टाइपिंग करना है, तो टाइपिंग करना है तो टाइपिंग आपको आता नहीं है तो आप कैसे करेंगे।
तो इट मीन्स कि आप बहुत सारे जॉब में पिछड़ सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आज से आप टाइपिंग करना जरूर शुरू कर देंगे। तो अब आगे देखिए, इसमें मेंशन किया गया है कि जैसे ही आप एक की को प्रेस करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है ना जो प्रोड्यूस होता है और वह कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के रूप में जाता है, जिसे हम लोग कीबोर्ड इनकोडर कहते हैं। ओके, और साथ में आप कीबोर्ड पे देखें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे कंट्रोल बटन भी दिए गए हैं, अप एरो है, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे होम बटन है, डिलीट बटन है ना। तो आप फिजिकली देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे है ना। और नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइस का ही, और वह है लाइट पेन। लाइट पेन बहुत ही इमेजिंग पेन है ना। आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में, यह पेन लाइट पेन है। आप देख पा रहे हैं कि एक डिस्प्ले पे है ना कोई व्यक्ति अपने हाथों से कुछ लिख पा रहा है। दिस इज लाइट पेन। एंड लाइट पेन इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज यूज टू सेलेक्ट डिस्प्लेड मेनू ऑप्शन। सपोज आपको फाइल मेनू सेलेक्ट करना है, आप फाइल मेनू पे जाके पोजिशन कर देंगे। एडिट मेनू सेलेक्ट करना है, आप एडिट मेनू पे एक बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इट मीन्स कि आप अपना काम जल्दीबाजी में कर सकते हैं, किसके द्वारा? लाइट पेन के द्वारा। और यह फोटो सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस होता है एंड इट इज केपेबल ऑफ सेंसिंग ए पोजिशन। मॉनिटर में कौन से पोजिशन पे आपको जाके रखना है, आप डायरेक्ट टच कर सकते हैं है ना, जैसे आप अपने स्मार्टफोन पे टच कर रहे हैं अपने फिंगर से। तो लाइट पेन इज वेरी यूजफुल। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो डेट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह हेडफोन कहें, ईयरफोन कहें, माइक्रोफोन कहें है ना। तो माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच अलाउज यू टू रिकॉर्ड वॉइस है ना। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे तो मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रहा है, साउंड हमारा इनपुट होते जा रहा है, या आप कुछ बोलेंगे है ना तो हमको सुनाई देगा। तो यह दोनों काम जो है माइक्रोफोन के द्वारा हो जाता है। आप इसके द्वारा कोई गाना सुन सकते हैं, मूवी सुन देख रहे हैं तो उसको आप इजिली सुन सकते हैं। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आपके जो नियर बाय व्यक्ति बैठा हुआ है ना उसको कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, तो आप आगे देखें कि अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं है ना, तो कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हमें सजग होकर के ध्यान लगा करके है ना सुनना पड़ता है दूसरे की बातें को, तो उसके लिए भी माइक्रोफोन इज द बेस्ट वे है ना। एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द माइक्रोफोन टू द बैक ऑफ द कंप्यूटर एंड द माइक्रोफोन वायर विल बी प्लेस्ड इन द होल जनरली। इट मींस कि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में माइक्रोफोन को लगाने के लिए जैक जो दिया हुआ है वो बेसिकली पीछे की ओर, अगर डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं तो पीछे की ओर होता है ना। बहुत सारे डेस्कटॉप में आप देखे होंगे आगे से भी ऑप्शंस होते हैं बट वो ऑप्शनल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि आप पीछे से अगर आप यूएसबी कनेक्ट करते हो सीपीयू के अंदर है ना, या आप इसका माइक्रोफोन का जैक को कनेक्ट करते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा, ड्यूरेबल होगा, फास्ट होगा, और आप आगे से कनेक्ट कर रहे हो ना तो उसमें कुछ ट्रबल आ सकता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की ओर चलते हैं इनपुट डिवाइस में, और वह है टच स्क्रीन। आज के डेट में आप बैंक में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं है ना, या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे आपको क्या मिलता है, टच स्क्रीन मिलता है। तो यह जो डिस्प्ले है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, टच स्क्रीन कह रहे हैं। टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है ना, और इसको आदमी अपने अंगुली से है ना, देख रहे हैं ना आप स्पीकर में, टच करके और इजिली काम कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर में देखें तो आप कोई पिक्चर को टच कर सकते हैं, किसी वर्ड को टच कर सकते हैं है ना। और साथ में अगर आपको कुछ सपोज बैंक में गए पैसा डिपॉजिट करना है, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो आप टच स्क्रीन के द्वारा इजीली काम कर लेंगे। ओके, तो अगर देखा जाए तो आज का जो एरा है वह पूरी तरह से डिजिटल एरा है ना। अब हमको पेन पेपर डायरी छोड़ना होगा और डिजिटल एरिया में हमको मूवमेंट करना होगा, तो उसके लिए टच स्क्रीन इज द बेस्ट स्क्रीन है ना। टच स्क्रीन इज द बेस्ट वे टू इंटर डेटा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट, आप बहुत सारा एनिमेशन है ना देखे होंगे, बहुत सारे जो ड्राइंग करने वाले पेंटर लोग होते हैं पहले वो कैसे करते थे, कपड़ा पे है ना, पेपर पे स्केचिंग करते थे, फिर स्कैन करके उसको हम लोग कंप्यूटर में फीड करते थे। अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है ना, अब आ गया ग्राफिक्स टैबलेट है ना। आप इस फिगर को देखिए, दिस इज ग्राफिक्स टैबलेट। ओके, आप लाइट पेन के द्वारा बिल्कुल इजीली है ना आप ड्राइंग कर सकते हैं, आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं
आप जैसा कर्सर लेना चाहें, जहां पे जो कलर के द्वारा स्केचिंग करना चाहें वैसे आप उसको यूज करें, है ना, और बेहतर ढंग से आप ड्राइंग बना सकें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इनपुट डिवाइस का स्कैनर। अभी बात हो रही थी कि हम लोग स्कैन करते हैं और किसी पिक्चर को या कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो यही वो डिवाइस है। दिस इज द डिवाइस स्कैनर, है ना, जो कि इनपुट डिवाइस का ही एक टाइप है। और इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, है ना, मान लीजिए कि आपको एक फोटो से 10 फोटो बनवाना है, तो आप स्टूडियो जाते हैं, स्टूडियो जाने के बाद आप एक फोटो उसको देते हैं और फिर वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है कंप्यूटर में, जो भी सॉफ्टवेयर है लाइक फोटोशॉप, वहां जाकर के वो एडिटिंग करता है, 10 पीसेज में उसको क्रिएट करता है और फिर प्रिंट करके आपको दे देता है। तो ये काम आप भी करेंगे, आप भी सीख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन सा होगा, दैट इज स्कैनर। ओके, स्कैनर को अगर देखा जाए तो इसका सबसे मेन एडवांटेज यह है कि जो भी डेटा होता है वो एग्जैक्ट इंटर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि वो फोटो लेता है ना एक तरह से। और एक फास्टर वे है, अगर एक्यूरेट डेटा एंट्री करना है तो स्कैनर इज द फास्टर वे। ओके, एंड स्कैनर के भी देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप इसमें देखें, सबसे पहला टाइप दिया हुआ है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड है सीट फेड स्कैनर, है ना, और थर्ड है हैंड हेल्ड स्कैनर। इट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर अवेलेबल है। अब हम लोग देखते हैं OMR। आज के डेट में आप OMR सीट पे एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक आपने एग्जाम दिया, OMR सीट मिला, रिजल्ट इतना जल्दी आ गया, कैसे आ गया भाई, है ना। तो OMR सीट के चलते बहुत सारा काम आपका तेजी गति से हो जाता है और साथ में कोई करेक्शन, है ना, या कोई झंझट, है ना, इसमें नहीं है। तो अगर आप OMR को देखें तो इसका फुल फॉर्म आपने क्या देखा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक तरह का स्पेशल स्कैनर है। आप यहाँ पे देखिए इसका फिगर दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि इसका यूज आप केवल एग्जाम में ही नहीं बल्कि बहुत सारे फॉर्म फिलिंग में भी करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि OMR एक स्पेशल स्कैनर है और जिसका यूज क्या हुआ कि आप पेपर पे पहले से एरिया बना हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, आप जिसको भी चुनना चाहते हैं उसमें आपको सर्कल कर देना होता है, आप उसको पेन से या पेंसिल से सर्कल कर देते हैं। और ये फिर क्या करता है, स्कैनर के जैसे ही, है ना, उसमें एंटर किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से एंटर किए और फिर क्या हुआ, डेटा स्कैन होकर के बाहर निकल गया। ओके, तो यह जो भी डेटा को अपना स्कैन किया वह कंप्यूटर में एंटर कर देता है आपके नाम से, है ना, डेटा इंटर हो गया। और देन फिर कैसे काम करेगा वो, जो भी रिजल्ट्स हैं कंप्यूटर में पहले से, है ना, डिफाइन किए गए हैं। ओके, और फिर जो भी आपका रिजल्ट्स आउट आना है वो कैलकुलेशंस होने के बाद आ जाता है। तो इस काम को, इट मीन्स कि अगर उस पेपर को चेक करना है किसी व्यक्ति को, आप इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर आप देते हैं चेक करने के लिए, तो वह ABCD चेक करने में हो सकता है कि एरर कर दे, है ना, गलती कर दे, बट दिस इज द मशीन, मशीन कभी गलत नहीं करता है, है ना, आप इस पर बिल्कुल बिलीव कीजिए। तो यह पूरी तरह से बेहतर ढंग से स्कैन करेगा और आपके डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर देगा। ओके, एंड द यूज ऑफ OMR इज नॉट लिमिटेड फॉर ग्रेडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। मैंने आपको बताया कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ही इसका यूज नहीं है, आप बहुत जगहों पे कोई डेटा को अगर इंटर करना है तो आप OMR सीट का यूज करते, बहुत सारे जगहों पे फॉर्म फिल करना है या और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होता है जहां पे OMR सीट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। अब हमको आशा है कि आप बहुत सारे टॉपिक को समझ गए हैं, पिछले दिन भी आपने बहुत सारे टॉपिक को देखा था। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बोलूं कि आप टेक्स्ट चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करते चलिए, है ना, मैं एक बार सबका रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट डिवाइस है बारकोड रीडर, है ना, दिस इज द बारकोड रीडर। या तो आपके नियर बाई मॉल, है ना, पोस्ट ऑफिस या बहुत सारे स्टोर्स में अवेलेबल है, है ना, आप दिन रात उसका यूज देख रहे हैं। आप लगभग लगभग बहुत सारे ऐसे डिवाइस को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, पेपर को देखते हैं, पेन पेंसिल, है ना, डिवाइस गुड्स को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स को देखते हैं जिसपे कि ये बारकोड टाइप रहता है, ये बारकोड छपा हुआ रहता है। तो बारकोड रीडर का क्या काम है, बारकोड रीडर का काम यह है कि उस गुड्स को
एक्चुअली क्या करना होता है, इंटर करना होता है ना कंप्यूटर में बिलिंग करने के लिए, तो बारकोड रीडर के द्वारा इजिली है ना उसको इंटर किया जा सके। इट मीन्स कि जल्दीबाजी में और 100% एक्यूरेसी के साथ है ना डेटा हम लोग उसमें इंटर कर सकते हैं। तो बारकोड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लाइन्स होते हैं है ना, तो इसके लाइन के हाइट से कोई मतलब नहीं होता, इसके विड्थ से बेसिकली मतलब होता है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो फाइनली मैं फिर से बता दूं कि बारकोड रीडर का क्या काम है, तो कोई ऐसा गुड्स है जैसे कि बुक्स, पोस्टल पैकेज या कोई बैज वगैरह है, तो उस डेटा को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं AMICR। AMICR आपको जेन्युइन जगह नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा, बताइए कहां मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर में है ना। MICR डिवाइस कहां मिलेगा आपको, बैंकिंग सेक्टर में। तो आप देखिए MICR का क्या फुल फॉर्म है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ना। अब बहुत सारे जगहों पे आप देखिएगा तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहा जाता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों सही है ना, रिकॉग्निशन भी सही है, रीडर भी सही है। तो चलिए यहां देखते हैं कि MICR कैसे काम करता है। आपके पास किसी न किसी बैंक का तो चेक होगा ही होगा, आप उस चेक को देखिएगा, उसके नीचे में MICR एक कोड होता है ना, जिस कोड को रीड करने का काम है ना बेसिकली यह करता है कौन, या MICR डिवाइस। या MICR डिवाइस उस MICR नंबर को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, अंडरस्टूड। तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वो डिजिटल डेटा करने से क्या फायदा होगा, तो इसी काम को कोई बैंक के कोई एम्प्लॉई इंटर किया करते थे, और हो सकता था कि गलत हो सकता है ना, बट यह मोर एक्यूरेटली और मोर फास्ट है ना देन एनी एम्प्लॉई काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हम लोग MICR डिवाइस का यूज बैंकिंग सेक्टर में करते हैं। ट्रैक बॉल, दिस इज द ट्रैक बॉल है ना, ट्रैक बॉल माउस के जैसा ही दिख रहा है ना। इसको अगर आप देखें तो माउस ये भी एक पॉइंट बॉल है ना, नीचे में एक बॉल लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग रोटेट करके किसी खास एरिया किसी खास लोकेशंस में है ना मूवमेंट कर सकते हैं डिफरेंट एरिया में। ओके, एंड अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं है ना, जिसके द्वारा स्पीड को बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, और इसके जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो जो भी आप डेटा को इंटर किए ना वो कंप्यूटर में इजिली यूज हो जाता है। आप जो लैपटॉप में माउस का एरिया यूज करते हैं ना वो बेसिकली ट्रैक बॉल एरिया ट्रैक बॉल टाइप का ही होता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेब कैम, आप हमको देख पा रहे हैं ड्यू टू दिस डिवाइस वेब कैम है ना। तो यह डिवाइस है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेब कैम है ना, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या अलाउ करता है, यह अलाउ यह करता है कि उसके सामने जैसे मैं हूं तो हमारा फोटो है ना खींच करके ले करके स्नैप करके आप तक पहुंचा रहा है। तो यही इसका काम है, इसका बेसिकली काम यही है कि उसके सामने जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा है ना उसका वो फोटो स्नैप करेगा या वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा एंड ओवर नेटवर्क ट्रांसफर करेगा या आपके लोकल कंप्यूटर में उसको सेव कर देगा है ना। तो वेबकैम अगर नहीं होता तो आज इस डिजिटल युग में कैसे हम लोग आपस में चैटिंग कर पाते हैं, कैसे हम कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं। तो अगर कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो वेबकैम होना बिल्कुल जरूरी है, विदाउट दिस आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर। आज के डेट में आप कहीं भी जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक 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 हो गया है ना। तो आइए उस डिवाइस को हम लोग देख पा रहे हैं है ना, यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस आपके सामने दिख रहा है। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, यह आपके फिंगर का जो प्रिंट्स हैं है ना इसको स्कैन करके पहले से अगर आप रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो पहले से स्कैन करके रख लिया, अब दोबारा जब आप उसका यूज करते हैं तो उसी को मैचिंग करवाता है। जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपके 10 फिंगर्स का वहां पे स्कैन करके स्टोर कर दिया जाता है, और जब कभी भी आप बैंक्स में जाते हैं KYC करने EKYC करने है ना, तो वहां पे आप क्या देखते हैं, थंब लगाओ भाई। तो आपने थंब लगाया तो वह क्या किया, पहले से जो स्टोर डेटा है उसे मैचिंग करवाया, अगर उसको सही मिला तो यू आर राइट, अगर गलत है तो आप भाई फॉल्स हो, आप गलत हो।
तो इट मीन्स कि यहां पर देखा जाए तो बायोमेट्रिक सेंसर डीएनए आइडेंटिफिकेशन करता है, डीएनए। अगर आप बायोमेट्रिक में देखें तो केवल इसी टाइप के डिवाइस नहीं है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके लिए, है ना, आई रेटिनास का है, वॉइस पैटर्न है, फेशियल पैटर्न है, हैंड मेजरमेंट है, फेस शेप है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन है। तो इस तरह से डिफरेंट वे है बायोमेट्रिक सेंसर में, चूंकि आज कल युग है और ये सबको पता है कि यहाँ फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, तो उसको रोकने का यह सबसे बड़ा साधन है ना। तो बायोमेट्रिक सेंसर को अगर देखा जाए तो यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, है ना, आपको एंटर करना है ऑफिस में, तो बायोमेट्रिक में भाई अटेंडेंस लगाओ, या इंटर करने के लिए आप अपना थंब दो। अगर आप यहाँ के एम्प्लॉय हो तो गेट ओपन होगा, अगर आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो तो गेट ओपन नहीं होगा। तो इट मीन्स कि मोर सिक्योर हो गया अगर आप बायोमेट्रिक सेंसर का यूज करने लगे। अब यहाँ पे खत्म हो गया इनपुट डिवाइस, अब शुरू हो रहा है आउटपुट डिवाइस। तो अभी तक आपने देखा कि कंप्यूटर में अगर कोई डेटा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई फोटो वगैरह इंटर करना है ना, कोई इंस्ट्रक्शन इंटर करना है, तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग रिजल्ट शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है, दैट इज VDU। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है क्या? तो VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या इसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर। तो अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर को देखें तो यह टेक्निकली जो है VDU के नाम से जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यही है वो VDU, इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, आप जो भी डेटा का प्रोसेस करते हैं उसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे नजर आता है। अगर ये नहीं होता तो आप रिजल्ट कैसे देखते हैं, और जब तक आप रिजल्ट नहीं देखते हैं आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आप इस कंप्यूटर का यूज ना करते। तो यह डिवाइस, इट मीन्स की मॉनिटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना फॉर कंप्यूटर सिस्टम। एंड एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिजाइन्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहला आप यहाँ देख रहे हैं CRT, यह जो देख रहे हैं ना मॉनिटर, यह CRT मॉनिटर है, यानी कि यह है कैथोड रे ट्यूब, है ना, इसके अंदर लगा हुआ है कैथोड रे ट्यूब, है ना, उसी के द्वारा, उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यह डिवाइस को, इट मीन्स की मॉनिटर को डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। और इसका यूज अगर देखा जाए तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, पहले हम लोग के पास जो मॉनिटर हुआ करता था वो CRT ब्लैक एंड व्हाइट होता था, फिर कलर मॉनिटर आ गया, है ना। अब हम लोग देखें तो इसको क्यों हटा दिए, तो इसलिए कि इसको रखने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए था, है ना, दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, है ना, ज्यादा जो है हीटिंग करता था, ओके। तो इस सारी बातों को, इस सारी प्रॉब्लम को खत्म करते हुए एक नया मॉनिटर आ गया, और वो आप देख पा रहे हैं LCD, है ना, आप यहाँ देखिए, दिस इज LCD मॉनिटर, ओके। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। और यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो नाउएडेज हम लोग यूज कर रहे हैं, आप कलर में भी, है ना, मोनोक्रोम जैसा भी आप चाहें वैसा आप इसका यूज कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 2 types of LCD टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, है ना, और वह एक्टिव मैट्रिक्स पे काम करता है और एक पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है। कुछ मेजर एडवांटेज अगर देखा जाए तो यह क्या है, कम्पैक्ट है, लाइट वेट है, है ना, आप जो CRT मॉनिटर के कंपेयर करें तो, है ना, प्लस मच डेस्क स्पेस, मतलब उसमें क्या होता था, ज्यादा डेस्क एरिया कैप्चर करता था, और इसमें क्या होता है, कम एरिया कैप्चर करता है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं LED, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमेटिंग डायोड्स, और यह भी एक लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर है ना, यह मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट है। एंड LED को देखा जाए तो इसमें भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, और यह लाइट इमेटिंग डायोड्स या बैक लाइटिंग का जो यूज होता था, है ना, उसके जगह पे CCFL का यूज करता है, ओके, किसका यूज करता है, CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट, है ना। एंड सम मेजर एडवांटेज अगर इसका देखा जाए
तो सीआरटी और एलसीडी से यह बेहतर है। इसका जो मतलब इमेज क्वालिटी होगा वो बेहतर है, हायर कंट्रास्ट इसमें आएगा, है ना। अगर आप इसको देखें तो इसमें हीटिंग बहुत कम है ना, उसके साथ साथ मतलब कि बहुत सारे एडवांटेज, आप कहीं भी अपने रूम में ऑफिस में इसको हैंग कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की ओर मूव कर रहे हैं, तो दैट इज प्रिंटर। विदाउट प्रिंटर आप कैसे पेपर पे डेटा इंटर करेंगे, कैसे डेटा आप लेंगे। तो प्रिंटर इज ऑल्सो 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 मोस्ट यूजफुल थिंग्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परमानेंट रीडेबल फॉर्म। आप एक बार जब प्रिंट आउट ले लेते हैं तो आपके पास ऑल लाइफ, नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन तक वो प्रिंट डाटा मौजूद रहता है। तो यह आउटपुट डिवाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरिफेरल में आता है। अगर आप प्रिंटर को देखें तो इसमें भी टू टाइप्स हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पे काम करता है ना, और इसमें रिबन और पेपर प्रिंट के द्वारा जो है डेटा को प्रिंट किया जाता है। और इसके भी कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। वहीं अगर आप लाइन प्रिंटर को देखें तो लाइन प्रिंटर प्रिंट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। और इसके साथ साथ इसका स्पीड कितना है, तो 300 to 3000 लाइन पर मिनट, बहुत ही अच्छा स्पीड है। फिर भी इसका जो है यूजेज जो है हम लोग कम जगहों पे कर रहे हैं। लाइन प्रिंटर फॉर फर्दर क्लासिफाइड, इसके भी टू टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस है ना, जो कि हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर या इसी को क्या कहते हैं, सीरियल प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट करता है वन कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट एट ए टाइम, एक कैरेक्टर कितना प्रिंट करता है, वन अक्षर, है ना। एंड दे आर लो स्पीड प्रिंटर, है ना। एंड दे आर प्रिंटिंग स्पीड, है ना, जिसका प्रिंटिंग स्पीड कितना है, 30 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। और इसके भी टू टाइप्स है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा लेटर क्वालिटी प्रिंटर। यानी कि जो कैरेक्टर प्रिंटर होगा उसका स्पीड कम है, किसी भी डेटा को प्रिंट करने में लॉन्ग टाइम टेकन होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं फिगर, किसका फिगर है ये, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर एंड इसमें जो प्रिंटेड है उसमें वर्टिकल एरे में पिन लगा हुआ है, पिन। ओके, और प्रिंटेड जो है मूव करते रहता है और पेपर जो है आगे की ओर है ना इंटर करेगा और फिर पिन के द्वारा उस पर कलर ड्रॉपिंग करके और डेटा को प्रिंट किया जाएगा। उसमें रिबन भी होता है ना, जिसके द्वारा कलर इंक है ना आता है। एंड द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फास्टर देन द लेटर क्वालिटी प्रिंटर एंड दिस प्रिंटर ऑपरेट एट 2 or 3 स्पीड। ओके, एंड लोअर स्पीड में अगर देखें तो प्रिंट की क्वालिटी क्या होगा, बेटर होगा। और हायर क्वालिटी हायर स्पीड में देखें तो ड्राफ्ट प्रिंटिंग जो है वो बेहतर होगा। अगर लोअर स्पीड को देखें तो वहां पे नियर लेटर क्वालिटी अगर हम कर देते हैं तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगा, नियर लेटर क्वालिटी, है ना। तो उसमें हो जाएगा स्पीड घट तो जाएगा बट क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अभी तक आप क्या देख रहे थे, इंपैक्ट प्रिंटर। एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में देखिए, इट यूज थर्मल केमिकल इलेक्ट्रोस्टिक लेजर बीम और इंक जेट टेक्नोलॉजी, है ना। इस सभी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है फास्टर होता है, किससे किससे फास्टर होता है बताइए कोई, इंपैक्ट प्रिंटर से। ओके, और नॉन इंपैक्ट के 4 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर के बारे में। एंड दिस प्रिंटर यूज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, है ना, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का यूज करके डेटा को प्रिंट करता है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से अगर देखा जाए तो जो ड्रम सरफेस है ना उसी पे उसका रिटेन होता है और फिर मैग्नेटिक पाउडर के द्वारा है ना उसको चार्ज करके और फिर जो भी पेपर या जो भी मटेरियल है ना उस पर हम लोग प्रिंट आउट ले लेते हैं। एंड थर्मल प्रिंटर, तो ये पहला आप देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और ये दूसरा आपका है थर्मल प्रिंटर। इसको तो आप बहुत जगह देखे होंगे, जहां पे आप बार कोड रीडर देखते हैं वहीं पे आप इसको देखे होंगे, मॉल्स में। कहां देखें, मॉल्स में, है ना। तो
तो थर्मल प्रिंटर, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूज ए स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। इसका जो पेपर होता है ना, डिफरेंट टाइप्स का पेपर होता है ना, यह स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर है। एंड दीज पेपर हैव स्पेशल हीट सेंसिटिव कोटिंग। और इसका अगर कैरेक्टर्स और स्पीड देखा जाए तो 200 कैरेक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में आप 200 कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो बहुत सारे लोगों के घर पे होगा, ऑफिस में होगा, और इंकजेट प्रिंटर आर मोर इफिशियंट देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से यह बेहतर होता है। एंड द प्रिंट क्वालिटी इज गुड। प्रिंट क्वालिटी इसका क्या होगा, बेहतर होगा, बिकॉज इसमें जो कैरेक्टर है ना, वो डोजन ऑफ है ना इंक डॉट के द्वारा उसमें कलर ड्रॉप होता है। एंड दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट। जो आपने अभी डॉट मैट्रिक्स को देखा था उसकी अपेक्षा अगर इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्वालिटी क्या होगा, बेहतर होगा, है ना, ग्राफिक्स बेहतर आएगा, फास्टर प्रिंट होगा। और स्टैंडर्ड अगर इंकजेट प्रिंटर को देखा जाए तो इसका रिजोल्यूशन 300 डॉट्स पर इंच होता है, डीपीआई, है ना। अगर इसमें देखा जाए तो कुछ न्यू मॉडल्स भी आ रहा है ना, बहुत सारी कंपनियां कुछ नया करके ला रही है। अब हम लोग देख पा रहे हैं लेजर प्रिंटर। दिस इज द लेजर प्रिंटर। बहुत सारे घर में, ऑफिस में है ना, आप इस प्रिंटर को देखे होंगे। तो दीज प्रिंटर आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस। इसको बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। बट अगर इसको देखा जाए तो इसमें अगर लो स्पीड का भी अगर लेजर प्रिंटर है तो 10 पेज टोटल, 10 पेज इन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट में 10 पेज प्रिंट कर सकता है। और इसका यूज हम लोग अपने पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में यूज करेंगे। तब अगर हाई स्पीड में देखा जाए तो 300 पेज आप प्रिंट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन उसके लिए आपके पास, अंडरलाइन कीजिए इसको, मिनी और लार्ज कंप्यूटर होना चाहिए, ओके। एंड लेजर प्रिंटर्स को अगर देखा जाए तो ये काफी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि आज के डेट में वॉल्यूमिनियस वर्क ऑफ प्रिंटिंग होता है, डेली कुछ ना कुछ प्रिंटिंग हम लोग करते हैं, है ना। तो लेजर प्रिंटर इज द बेस्ट प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस, और यह तो आपके लिए बिल्कुल इमेजिंग है ना। हमें आशा है कि आप बताइए कितने लोगों ने इस डिवाइस को देखा है। हमें तो आशा है कि बहुत कम देखे होंगे, फिर भी कहना ये मुश्किल है, आप बताइए। यह है 3D प्रिंटर। 3D का मतलब होता है 3-dimensional। इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को आप जब 3 साइड से देख पाते हैं तो वह 3D है ना कहलाता है। तो 3D प्रिंटर इज द फॉर्म ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अगर किसी गुड्स को बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे टॉयज देख रहे हैं, है ना, या अपने घर में आप टॉयज देख रहे हैं, इस माउस को देख रहे हैं, है ना, या कोई बहुत सारे डिवाइस को देख पा रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वह डिवाइस के अब पार्ट बाय पार्ट अलग अलग मैन्युफैक्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन सारे पार्ट्स को कंप्यूटर में डिजाइन कर दीजिए और प्रोग्रामिंग करके सारे मटेरियल को इस प्रिंटर के साथ अटैच कर दीजिए, है ना, फिर देखिए वो फाइनली आपको आउटपुट के रूप में निकल आएगा। तो यह है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, टाइम कम लगा, टाइम आपका सेव हुआ। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम इज मनी। अगर आपका टाइम बचा, कॉस्टिंग कम हुआ, तो मार्केट में वो गुड्स बेहतर ढंग से सोल्ड आउट होता है। तो यह प्रिंटर बिल्कुल अमेजिंग प्रिंटर है ना, और इसके द्वारा आप बेहतर ढंग से काम कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे काम करना होगा इस पे। तो इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग डिजाइन करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट लेंगे ऑब्जेक्ट का, और फिर इस प्रिंटर से कनेक्ट करके इसमें जो जो भी मटेरियल्स लगना है, प्लास्टिक लगना है, आयरन लगना है ना, जो जो भी लगना है, वो सारे मटेरियल इसमें डिवाइस में, मतलब इस प्रिंटर में कनेक्ट करके और उसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। इसको तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, है ना, यह है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज आप एक गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स, एक बेहतर क्वालिटी का फोटो प्रिंट करवाना है ना, या कोई बैनर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं प्लॉटर, है ना। यह सिंगल कलर में भी प्रिंट कर सकता है या मल्टीपल कलर में भी प्रिंट कर सकता है। और अगर नेक्स्ट देखें आउटपुट डिवाइस, तो वह है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को भी आप लोगों ने बहुत सारा यूज किया होगा।
प्रोजेक्टर एक आउटपुट है ना, जो कि आपके सिस्टम से लैपटॉप से है ना, आप VGA कनेक्टर के द्वारा उसको कनेक्ट करके और अपनी बातें को एक बड़ा लार्ज स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक फिल्म शो कर सकते हैं, है ना, इस डिवाइस के द्वारा। इस डिवाइस से एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम लोग अपनी बातें को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यह है आपका प्रोजेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट डिवाइस है स्पीच सिंथेसाइजर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीच सिंथेसाइजर यह जो आप देख रहे हैं, यह डिवाइस क्या करता है, यह डिवाइस है ना कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हैं कि एक स्पीकर टाइप का डिवाइस दिख रहा है और इसके साथ एक कीबोर्ड अटैच है ना। तो आप इस कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद है ना आप जो कुछ भी इसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए फाइनली, फिर इंटर बटन दबाएंगे, फिर क्या होगा कि यह स्पीकर आपके टाइप किए टेक्सचुअल डेटा को स्पोकन में कन्वर्ट करके है ना बताएगा। और यह डिवाइस उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है ना जो व्यक्ति गूंगे है ना, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर, कुछ बोल नहीं सकते, ऑन दैट कंडीशन वो टाइप कर दिए और स्पीकर से आपको सुना दिए, कन्वे हो गया, तो ये उनके लिए बिल्कुल वरदान है, वरदान है ना। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है जो घर सबके घर में है और वह है स्पीकर। स्पीकर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसके द्वारा साउंड आउट होता है, साउंड साउंड है ना, आप जो सुन पा रहे हैं हमको ये स्पीकर के थ्रू ही सुन रहे हैं। तो आपके कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड होता है, उस साउंड कार्ड के द्वारा है ना इस स्पीकर को कनेक्टिंग करके आप वायर के थ्रू भी कर सकते हैं या वायरलेस भी कर सकते हैं। आज के डेट में ब्लूटूथ वाले स्पीकर आ चुके हैं, तो आप जिसका भी टेक्नोलॉजी जौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यह स्पीकर का बेसिकली काम क्या हो गया कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं है ना उसको आउट करना, सुनाना है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फाइनली चेंज कर दे रहा है आपके वेव को, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है ना कन्वर्ट कर रहा है, किस पे हो, साउंड वेव, साउंड वेव में इसको फाइनली कन्वर्ट कर दे रहा है और जिसको आप सुन पा रहे हैं। अब आज से, आज जो भी आपने देखा है ना, प्लस पिछले सेशन में भी जो आपने देखा था है ना, उससे संबंधित मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्सरसाइज तो करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जिस व्यक्ति ने भी बोला है बहुत ही बेहतर शब्द बोला है। तो आपके बेटर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किया है, जो कि कल के जो सेशन था लाइव सेशन वन और आज का जो सेशन हो रहा है ना लाइव सेशन टू, इस दोनों को कंबाइंड करके बनाया गया है। तो हमें आशा है कि आप इन सबको बनाएंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स है ना कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किनको किनको आज का जो इनपुट आउटपुट का सेशन है ना उसमें डाउट है। अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट क्लास में, अच्छा अच्छा तो चलिए जिसको जिसको डाउट है अपना अपना पूछिए। अपना अपना डाउट क्लियर कीजिए। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, डाउट नहीं होनी चाहिए।
अच्छा यहाँ पे प्रमांशु कुमार हैं जो पूछ रहे हैं कि MICR कोड बैंक में बैंक पासबुक में कैसे इंटर होता है। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है ना रीडर, और ये क्या करेगा, स्कैन करेगा डेटा को, और फिर आपका जो भी अकाउंट्स होंगे है ना उसमें उस डेटा को फिट कर देगा। और किसी को कोई डाउट है? आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को हो तो वो कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा बैंक का MICR कोठन पासवर्ड देंगे, नहीं जी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए तब क्लोज कर रहा हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अच्छा यहाँ पे ट्रैक बॉल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रैक बॉल जो है ना माउस के जैसा ही एक डिवाइस होता है ना। इसमें एक बॉल होता है, उस बॉल को आप मूवमेंट करके, जैसे माउस को आप स्क्रॉल